ब्याह किया, अपने घर की जीनत जिसको उठा के रख रहा था उसके ऊपर 420 के केसेस तुम करा दिए। अरे उस खवातीन की क्या गलती, ये लोग जो शौहर है उसका, जो ये फेरोस्तान का छोटा भाई है, वो इख्तदार के नशे में इतना चूर चूर हो गया कि अपनी अहलिया जो उसकी घर की जीनत है उसके ऊपर 420 के केसेस बुक करा दिए। अरे बेशक उनकी अहलिया की हम कदर करते हैं, औरतों की हम कदर करते हैं, मगर उसके शौहर की गलती, वो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती है और उसे एक झूठा बीसी सर्टिफिकेट दिलाते हुए विजयनगर कॉलोनी से ठहराने की कोशिश की गई। जब ये अहदेदारों को मालूम हुआ तो मुशीराबाद एमंडल ने जहां से उसने बीसी सर्टिफिकेट निकाला उसने अपने लेटर पे हमें रिटर्न में लिख के दिया कि हम इस उम्मीदवार का बीसी सर्टिफिकेट कैंसिल करते हैं। आज उसे बी फॉर्म भी दिलाया गया, क्यों दिलाया गया, क्यों ये धोखा, अरे वो तो बीसी भी नहीं है, अगर खुदा ना खासा चीन भी जाए तो उखाड़ के फेंके जाएगी, क्या इसलिए तुम आ रहे हो ताकि मजलिस के वोटों को तकसीम करते हुए बिहार से बीजेपी का परचम बुलंद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुम जो अपने घर की जीनतों का ख्याल नहीं रख सकते, तुम जो अपनी घर के अहलिया के ऊपर 420 और चीटिंग केस का केस बुक कराते हो अपने गलतियों से, वो आवाम की क्या खिदमत कर देंगे, वो आवाम की क्या जुस्तजू में लगेंगे। अरे अपने घर की पर्दा नशीन बीवी को हर हिमानगर पीएस में और मुशीराबाद पीएस में 420 का केस करने वाले आज आवाम की खिदमत का दावा करेंगे और स्टेज पे आके क्या बोलेंगे, काम नहीं बोलेंगे, कारनामे नहीं बोलेंगे, क्या किया ये नहीं बोलेंगे, तनकीद करेंगे। अवेसी साहब पे तनकीद, असदुद्दीन अवेसी साहब पे तनकीद, अकबरुद्दीन अवेसी साहब पे तनकीद, जाफर हुसैन मिराज पे तनकीद, मजलिस के रुकन पे तनकीद, उन पे तनकीद जिन्होंने अपनी जानों की परवाह करते हुए उस वबा के दौर में अपने घर के खुशियों को नहीं देखा मगर ये जुनून से निकले कि एक गरीब के घर में अनाज पहुंचाया जा सके, ये तो आपका वोट किसका है, आपके वोट का किसका है। अरे कभी कल चौरस्तों पे पुलिस का जुल्म होता है ये नजर नहीं आते। अरे लॉकडाउन में जब एक मेरी डायलिसिस बहन को जब चौरस्ते में रुकाकर इफ्तार उसका चौरस्ते में फुटपाथ पे बिठाकर खुलाया गया, दो घंटे पुलिस वालों ने वहां पे बिठाया, क्या कांग्रेस आई, क्या टीआरएस आई, वो मैंने से अपने हाथों मुस्लिमीन गई और उस पुलिस वाले को अपनी औकात बताते हुए उनको उनका हाथ दिलाया। तो आपका वोट किसका है, तो आपका वोट किसका है, उनका है जो आपके लिए लड़ते हैं, उनका है जो आपके लिए निछावर होते हैं, उनका है जो आपके लिए खिदमत का जज्बा रखते हैं। आने वाली पहली तारीख को इंतखाबात है और इस वक्त बैलेट का वक्त है, टीं टीं करने वाली मशीन नहीं होगी, जाके सलाहियत से पेपर लेना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पतंग के निशान को देखना पड़ेगा, बाजू के खाने में टपा टप निशान मानना पड़ेगा और उसको इज्जत से डालना पड़ेगा, डब्बे में दाल चढ़ाना पड़ेगा, जल्दबाजी से वोट भी खराब हो सकता है। और कोशिश ये करिए, मैं विजयनगर कॉलोनी के तमाम वोटरों से, यहां के बुजुर्गों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, इलेक्शन का दिन छुट्टी का दिन नहीं होता, इलेक्शन का दिन रिश्तेदारों का जाने का दिन नहीं होता, इलेक्शन का दिन सब्जियों का नहीं होता, इलेक्शन का दिन अपने इम्तिहान का दिन होता है। उस दिन आप तय करते हैं कि आप किसको ताकत बख्शेंगे, उस दिन आप तय करते हैं कि कौन होगा आपका नुमाइंदा, उस दिन आप तय करते हैं कि कौन आपकी खिदमत करेगा। खिदमत गुजार को ताकत से चुनिए, खिदमत गुजार को जस्तजू से चुनिए ताकि वो सही तौर पे आपकी खिदमत कर सके और आपके तवक्कुआत को उतर सके। आपके सामने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने काबिल तरीन डॉक्टर उम्मीदवार को आपके दरमियान में उतारा है, जो यहां के रहने वाले हैं, इनके दादा के भी खिदमत यहां पे, इनके वालिद के भी खिदमत यहां पे, और खासिम को मैं पर्सनली तौर पर जानता हूं और अपने छोटे भाई के नजरिए से देखता हूं और मुझे
مجھے یقین ہے قاسم کے جذبے سے جب وہ اختیار سے چھڑا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے اور آپ لوگ کی دعا اور محنت سے تو انشاءاللہ وجے نگر کالونی میں کام کرے گا, لوگوں کے درمیان میں رہیں گے, بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے مشوروں سے آگے چڑھیں گے, نوجوان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے مضبوط کریں گے. انشاءاللہ آپ سے بھی امید اور توقع ہے کہ پہلی تاریخ کو آپ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے. شکریہ, خدا حافظ.